यह समस्त जीवन और कायनात एक नियम पर चल रही है। इसकी एक धुरी है और यह उस धुरी पर अविरल घूम रही है। कई बार लगता भी है कि सब कुछ पुनरावृत्ति बस लगातार दोहराई ही जा रही है, मगर कितना रहस्य है कि रोज सब कुछ दोहराया जा रहा है, फिर भी जी नहीं भरता, फिर भी नया सा लगता है, कुछ बदला सा लगता है, कुछ करने को लगता है। रोज सूरज निकल रहा है, रोज वही हवा चल रही है, रोज वही खाना, रोज वही ऑफिस, कामकाज, बच्चे, घर परिवार, मगर हम इतने खो जाते हैं कि यह सब कुछ याद ही नहीं आता, यह विचार ही नहीं उठता कि क्या सार है, क्यों है। लेकिन यह आपके साथ ही नहीं हो रहा है, पूरा अस्तित्व घूम रहा है। पृथ्वी घूम रही है, चांद घूम रहा है, सूरज घूम रहा है, तारे, गैलेक्सी, सारा वायुमंडल सब घूम रहा है एक धुरी पर। ऐसे ही इंसान भी घूम रहा है मन से। दुख क्यों है जब हम अपनी धुरी से इधर उधर हो जाते हैं? मन धुरी से हिल जाता है। ध्यान की जरूरत ही है कि मन अपनी धुरी पर रहे, ताकि जीवन का, अस्तित्व का जो नियम है वह चलता रहे, और धुरी में होने के कारण हम भी अपने अस्तित्व से जुड़े रहें, शाश्वत सत्य से जुड़े रहें। मनुष्य के अंदर यह स्वतंत्रता है कि वो अपनी धुरी पर टिका भी रह सकता है और धुरी से हट भी सकता है। इसी कारण मनुष्य कर्म और फल के नियम पर चल रहा है। बाकी सभी जीव कर्म भोग रहे हैं, मगर इंसान कर्म कर भी रहा है और कर्म भोग भी रहा है। धुरी का अर्थ है कि अस्तित्व के साथ जुड़े रहना और उस शाश्वत सत्य के साथ लयबद्ध हो जाना। मगर कर्म के कारण जब अहम या मैं का भाव जगता है, तभी मनुष्य उस धुरी से हट जाता है, क्योंकि वह मानता है कि वह कर रहा है, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, वह करेगा तब होगा, तब जीवन चलेगा, और तब जीवन चल रहा है। यह सब मन का अपनी धुरी से हट जाना है। सोचो, बच्चा पैदा होता है, उसे नहीं पता कि कौन माँ है, बाप है, घर है, बार है, भाई बहन है, दूध कौन देगा, मैं जिंदा कैसे रहूंगा, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्योंकि मन अभी चलायमान नहीं है, एक्टिव नहीं है। अभी सब कुछ धुरी पर टिका है, शाश्वत सत्य से जुड़ा है। जैसे ही मन चलायमान हुआ, एक्टिव हुआ, वह धुरी से हट गया, मैं भाव आ गया। अब होश के जरिए गुरु की सहायता से फिर अपने मन को शाश्वत सत्य के साथ, उस धुरी के साथ जोड़ लेना ही आध्यात्म है, और यही आध्यात्म का मार्ग है, और यही मुक्ति का मार्ग है। सभी बुद्ध पुरुषों ने यही एक बात भी कही है कि तुम अपने धम्म से शाश्वत सत्य से जुड़ जाओ।